ये देखिए भगवान जी सब मेरे नहा धो के और अपना प्रसाद वगैरह खा रहे हैं। बस सब जी भगवान जी को नहला नहला दिया और आंगन में शिवलिंग वगैरह का भी पूजा वूजा कर दी। सबको गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी झा में। और अभी टाइम बज रहे सुबह के 8 और मेरा सब काम हो चुका है। भगवान जी की पूजा वूजा करके मैं जा रही थी चाय पीने, तो मैंने कहा जब आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते जाऊँ। और बस सब काम हो चुका है, बस चाय पी करके फिर नाश्ता पानी का इंतजाम करूँगी। जैसे झाड़ू पोछा जो होता है रोज़मर्रा का वही हुआ है, चलो भगवान जी का दर्शन करवा दूँ। और ये दूध में देखिए कितनी मोटी मलाई पड़ी हुई है, रोज़ ही पड़ती है मैं जब भी, क्योंकि दूध को ठंडा करके और फ्रिज में रख दो ना तो रोटी जैसा इतना मोटा हो जाता है मलाई। और अभी ये देखिए खुद अभी मैं हटाऊँगी और पीऊँगी बना करके चाय। और एक काम मेरा बच गया वो दिखाऊँगी आप लोगों को। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं जो काम मेरा बाहर बच गया है एक बहुत ज़रूरी काम वो मैं करके और फिर बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि वो काम मेरा बच गया है और वो ज़रूरी भी बहुत है। उस काम को अगर एक दिन भी ना करो तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बताओ आप लोग कौन कौन लोग भाई चाय पानी पी रहे हो? सुबह में तो बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, एक ही पीती हूँ चाय में, लेकिन चाय बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए मेरी। ये देखिए ये कूटने वाला परा हुआ है, लेकिन तब भी आदत, जब तक हमारे पास जो चीज़ नहीं होता है ना मन करता है ये उसके पास है, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। जब आ जाता है भाई कहाँ फेंका रहता है उसका कोई वो नहीं है। पहले लकड़ी वाली जो करछुल वगैरह होता है ना, लकड़ी वाला जो करछुल वगैरह होता है, मुझे ऐसा लगता था मेरे पास होता है तो मैं उसी से सब कुछ करूँगी, चाहे सब्जी बनानी हो या दाल निकालनी हो उस करछुल, सब कुछ उसी से करूँगी। लेकिन जब आ गया तो ड्रॉल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे मोटा मोटा सो बहुत पतला नहीं बना रखा है। मीशो से मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मतलब पूरा सेट ही आया था लकड़ी का। मैं दिखाऊँगी, आज ही दिखा पाऊँगी तो दिखा दूँगी आपको, लेकिन मुझे जचता ही नहीं है वो, इसीलिए पड़ा हुआ है। वैसे बहुत सारे चीज़ मैं नए नए में शुरू शुरू में ना मीशो से मंगवाई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक तो ये हो गया छन्ना, एक ये हो गया, एक इसमें ये था, और इसमें एक था पराठा का वो जो लगाने वाला होता है ना रिफाइन ऑयल वो था, और कद्दूकस था छोटा वाला, 5 का सेट था शायद, 5 का सेट था वो दोनों था, एक ब्रश और वो, और ये सब था 5 या 6 का सेट था। और वो जो मंगवाई थी ना क्या बोलते हैं लकड़ी वाला पूरा करछुल वगैरह वो भी 5 का सेट था, तो वो 5 का सेट नहीं था। अभी मैंने निकाल देखी, जैसे मैंने मीशो से मंगवाई थी वो डब्बा भी इसी में पैक है और छोटा वाला कॉकरेज जिसमें घुस गया है। एक तो ये था अपना छन्नी, जिसको मतलब हमारे यहाँ इसको झांझ बोलते हैं, अब यहाँ पे जो निकालने वाला था पूरी वगैरह। उसके बाद एक ये पता नहीं क्या सब्जी वब्जी निकालने वाला था, एक और ये भी था पता नहीं। ये देखिए कितना मोटा मोटा, इसे मैं क्या करूँगी, ये हवन करने वाला नहीं होता वैसा लग रहा है मुझे। एक ये पतला था, ये काम का लगा मुझे, ये बिल्कुल पतला है ना, तो करछुल जैसे साइड से मुझे लग रहा है बॉर्डर से निकालने के लिए ये है। ये छुलनी ये भी पतला है, ठीक है ये चलने वाला है, निकाल ही लेती हूँ आज। और ये एक छुलनी है, मतलब 2 छुलनी है, और फिर ये चावल निकालने वाला है क्या, एक ये वाला है चलाने वाला सब्जी, ये 3 तो ये हो गया अपना, एक हो गया पूरी वगैरह तलने वाला, 4 हो गया ये सब्जी निकालने के लिए। तो इसमें चढ़ेगा कितना सब्जी, देखिए ना प्लेन बस। और ये दाल बस नाम के लिए देना होता है वो वाला चीज़ होगा मुझे लग रहा है, ऐसे घी घी देने के लिए ये, और ये चावल निकालने के लिए।
ये है तीन, सात का सेट है भाई, सात का सेट है, मैंने फालतू में झूठ बोली, पांच है, सात का सेट है। फिर वो वाला आया था पांच का सेट साइड, वो स्टील वाला बहुत अच्छा निकला था, जो भी इसमें था, जो आलू मेस करने वाला हो या जो भी जितने भी चीज़ थे, मैं इतना ये वो एक एक करके नाम नहीं बता पाऊंगी, सब अच्छी निकली थी। तब तक मेरी चाय बन गई, चाय पी के अब बाहर वाला काम करूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, वो मुझे रोज़ करना होता है। और मैं सोच रही हूँ इसमें से एक दो चीज़ निकाल लेती हूँ, अब मैं इसको देखती हूँ यूज करके, है ना, जब लाई हूँ तो। और इस डब्बे को जा रही हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि छोटा वाला चार पाँच कॉकरोच जिसमें दिख रहा है मुझे, वो वाले ड्रॉल में, तो वो ड्रॉल में कभी खोलती नहीं हूँ, नए नए बर्तन है उसमें एक्चुअली, लेकिन यूज नहीं होता है तो कॉकरोच उसमें घुस जाता है। चलो बने रहो, फिर चाय वाय पी के फिर मिलती हूँ। देखिए मैं कुछ दिमाग लगा रही हूँ अपना, ये ना मेरा मतलब सिमरन लेके आई थी कुकर, एकदम बिल्कुल उसमें जान नहीं है, बिल्कुल कागज़ जैसा हल्का, बच्चे क्या ख़रीदते हैं ऐसे, ख़रीद लिए थे नॉर्मल 200-250 का। और ये तो मेरा अच्छा वाला कुकर था, ये ना गिर गया, ये देखिए कैसे चिप गया, ये ऐसे टेढ़ा हो गया ना, तो ये सेट नहीं हो रहा अच्छे से। मैं ये बता रही थी अभी बोतल सब रख ली हूँ जमा करके भरने के लिए, पानी इसमें भर दी हूँ, जा रख देती हूँ फ्रिज में। और मैं क्या सोची ना दिमाग में, मतलब ठीक कर, उन्होंने बोला कि ये चिप गया है तो ये नहीं ठीक होगा, ये देखिए आपको दूर से दिख रहा है ऐसे, ये कैसे मैं दिखूँ, मतलब गिर गया है तो बिल्कुल सीटी नहीं पकड़ रहा है ये, और बिना सीटी पकड़े हुए तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो मैंने दिमाग में आइडिया लगाया, इसका ना चीज़ भी हल्का है तो मतलब नुकसान भी कर सकता है, मैं सोची इसको रख देती हूँ। और एक बार क्या करती हूँ, ये सिमरन वाला कुकर जो था पुराना, मतलब जो दिल्ली से लेके आई थी, इसका सीटी निकाल दी मैंने, और हम अपने वाले कुकर का सीटी इसमें लगा दी इधर। तब तक मैंने पानी उबालने के लिए रख दी, ठीक है, और मैं इसका रबर भी निकाल लेती हूँ। क्या करूँ, दिमाग चलाना पड़ता है भाई, वो जब मना कर दिया अपना कुकर भी लेने जाता हूँ, सोच रखी हूँ मैं एल्युमिनियम का नहीं लूँगी, अब मैं लूँगी ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो ब्लैक वाला कुकर होता है ना, नॉन स्टिक वाला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पता है, मुझे वो कुकर बहुत पसंद है, तो अब मैं जब भी लूँगी तो वही वाला कुकर लूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है मुझे, छोटा ही लेना है 3 लीटर तक का। तो चलो आप लोगों के सामने ही, मैं सोची कि करके मुझे डर बहुत लगता है, जैसे मैं बिजली का भी काम कर लेती हूँ ना, मैं सीधे वहाँ से भाग जाती हूँ कि अगर कुछ तार वार भी जला या शॉर्ट हुआ तो मैं नहीं रहूँगी वहाँ पर, मुझे डर लगता है। ऐसे ही पानी हमारा उबल रहा है, माता रानी हे भगवान, सीटी तो पकड़ रहा है, अब ये उठेगा कि नहीं ये नहीं मुझे पता है। तो एक बार मैं इस कुकर को भगवान का नाम लेके रख देती हूँ, बिल्कुल कागज जैसा हल्का है, किसी काम का नहीं है, मतलब ये समझ लो कि टाइम का, मैं किसी ये मैं कुकर अभी तो रखूँगी, कभी बाई चांस ये काम ना आए तो, ये चल गया तो ठीक है, तो एक बार बंद कर देती हूँ, खाली पानी डाल देती इसमें, इसको मैं फिर किसी को दे दूँगी, गरीब लोगों को जो यूज कर ले। मेरा ये आइडिया कैसा लगे आप लोग भी, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी 2 दिन से, जब से ये गिर गया था ना, ये यहाँ पे मैं टांगती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ना, ये ढक्कन मैंने यहाँ पे टांग दी, ढक्कन ना इस वाले पे टांग देती, जिसमें ये करछुल टंगा हुआ है ना, इसमें टांग देती हूँ। तो 2 दिन से बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर कल ना याद आया सिमरन वाला कुकर, उसको माँ जी साफ की, फिर मैंने उसमें बनाना शुरू कर दिया। ये गिर रहा है क्या, मोबाइल फिसल रहा है। चलो जी बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में खाना आना बनाने के बाद, और देखती हूँ मिल पाऊँगी कि नहीं, तो बाय बाय। अगर वीडियो आपको ये वाला मेरी वाला आइडिया पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, मैं इतना मेहनत का काम क्यों दिमाग लगा करके, लगाना पड़ता भाई दिमाग, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, तो वही जीने वाला सिस्टम है जी। तो चलो बट आज मैंने ना ये वाला जब पूजा कर रही थी ना मैं ना, तो ये वाला सिंदूर लगा ली, ये मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन खुजली बहुत लग जाती है मुझे इस सिंदूर। तो चलो जी बहुत बकैती कर ली और बहुत अच्छा काम मैंने आज कर ली, मैं खुश हूँ। मेरा ना 2 घंटा लग जाता था दाल उबलने में, मैं भिगो के धुल के रख देती थी तो बहुत टाइम लगता, सब्जी वगैरह भी सीटी। और मुझे ये वाला कुकर जो है ना, इसका एल्युमिनियम बहुत पतला है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मन अजीब सा होता रहता था कि सब्जी में कुछ एल्युमिनियम जा रहा है, क्योंकि सस्ती वाली चीज़ होती है ना, और बच्चे क्या लेंगे, 250 में खरीदी थी रोड से। तो चलो जी बाय बाय।